डियर स्टूडेंट आप सब घर पर कुछ स्टूडेंट घर पर होंगे और कुछ स्टूडेंट रांची आ चुके हैं पता चला कि कुछ एक सप्ताह पहले दस दिन पहले पाँच दिन पहले और आने का सिलसिला चालू है और कुछ स्टूडेंट रांची आके अपने कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी वगैरह भी यूज करना शुरू कर दिए हैं इन बिटवीन इसके पहले कुछ एग्जाम भी हो चुके थे आरआरबी का पीओ का एग्जाम भी हुए हैं पीपीटी कंडक्ट हुए लेकिन आई बी क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया लेकिन किसी कारण बस रोक लगाया गया लॉजिक क्या है हो सकता है कि लॉजिक ये हो कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन अच्छे नहीं कर पा रहे हो या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में प्रॉब्लम हो या सारे स्टूडेंट अटेंड प्रजेंट नहीं हो पा रहे हो एग्जामिनेशन में बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है इंटर स्टेट बसेस वगैरह नहीं खोले गए हैं तो ये अब सरकार जैसे कि आप देख रहे हो नियरेस्ट स्टेट है लाइक like, uh, कुछ स्टेट है जो हमारे झारखंड से सराउंडिंग है उसमें वो एक्टिविटी कॉलेज एक्टिविटी सीनियर लेवल हायर एजुकेशन वगैरह को भी खोल दिए गए हैं कोचिंग इंस्टिट्यूट को भी खोल दिए गए हैं तो निश्चित रूप से झारखंड में भी ये खुलेगा ही तो इसी को देखते हुए हम लोग ने भी ऑफिसियल ऑफिस खोलने का तो परमिशन सरकार ने दे ही दिया है सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पर सिनेमा हॉल खुल चुके हैं जिम भी खुल चुके हैं तो हम लोग ने भी सोचा है कि जो स्टूडेंट का एग्जाम है जो स्टूडेंट घर पर बैठ के वो तैयार नहीं कर पा रहे हैं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है वो सब भी यहाँ पर सारा फैसिलिटीज है यहाँ पर आके वो कर सकते हैं और इस टीचर से गाइडलाइंस ले सकते हैं और कुछ लाइब्रेरी में बैठ के जो भी प्रॉब्लम हो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं वो तो हम लोग ने उन्नीस तारीख से ऑफिस उन्नीस तारीख ऑफिस तो खुली गए हम लोग के इंक्वायरीज आ रहे हैं आप लोग भी आ कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं और उन्नीस तारीख से हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट को गाइड भी करना शुरू कर देंगे इसलिए जो स्टूडेंट यहाँ आ गए निश्चित रूप से आ जाए और जो झारखंड में है वो आना शुरू कर दें यहाँ भी लॉज वगैरह को कोई परमिशन ही ऐसा कोई रुकावट नहीं है कि वो नहीं रह सकते हैं हॉस्टल्स में ये है कॉलेज में भी एक्टिविटी एक हो रहे हैं एडमिशन का हो या सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो तो बहुत सारे स्टूडेंट इस कारण भी आ रहे हैं तो आप सारा एक्टिविटी अब आराम से शुरू कर सकते हैं बस कोविड नाइन्टीन के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मास्क लगाना है दूरी मेंटेन करने हैं हैंड वॉश करने हैं ये सारी छोटी छोटी बातों को तो हमेशा के लिए हम लोग को अपने दिनचर्या में लागू करने की आवश्यकता है इससे निश्चित रूप से ट्रांसमिशन ऑफ जो, जो डिजीज होते हैं वो वायरस होते हैं वो सब रुक जाएंगे ठीक है ये तो हम लोग को हमेशा करने की आवश्यकता है तो स्टूडेंट मैसेज डायरेक्ट सिंपल मैसेज ये है कि आप सब अब आ सकते हैं धीरे धीरे सारी स्थिति एज हो जाएंगे जैसे कि पहले थे और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसीज आना शुरू हो चुका था पहले से भी एग्जाम भी हो चुके हैं और भी वैकेंसीज आ जाएंगे जो आई पी एस का लड़का रोका गया है हो सकता है फिर ये स्टार्ट कर दे दस दिन पाँच दिन पंद्रह दिन बीस दिन में फिर से ये रीओपन कर दे कि आप अप्लाई कर सकते हैं होना ही है नहीं होने की कोई बात ही नहीं है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कई वैकेंसीज आएंगे झारखंड स्टेट में भी देख रहे हैं बहुत सारी बातें हुई है कमिटमेंट किया गया था झारखंड स्टेट ने कि वैकेंसी नौकरी जॉब देंगे तो वो सब भी जॉब क्रिएशन का प्लानिंग चल रहा है तो वही वैकेंसीज आने हो जाएंगे तो आप अपने आप को तैयार करें जो ग्रेजुएशन पार्ट वन में है पार्ट टू में है पार्ट थ्री में या इंटरमीडिएट पास वाले भी स्टूडेंट है वो सब भी अपनी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि टेंथ प्लस के बाद ही आप जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाता है टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन के बाद भी ग्रेजुएशन uh, के तो बाद तो सबको मिल जाते हैं लेकिन कुछ को ऐसे वैकेंसी टेंथ के बाद भी हैं ट्वेल्थ के बाद भी हैं तो वैसे वैकेंसीज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएं और सबके कंपटीशन का कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं और उसमें सारे के सिलेबस जो आपको पढ़ाया जाते हैं जो एन आई वी में सिलेबस दिए गए लगभग उसी नेचर पर आधारित है किसी का क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ है इजी है वगैरह वगैरह डिपेंड करते हैं पीटीए है मेन्स है तो वही चैप्टर है उन्हीं से डिपेंड है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं आपके इंस्टीट्यूट एन आई बी एम बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में यहाँ पर सारा चीज़ है जो यहाँ आ चुके हैं देखते होंगे नीट एंड क्लीन है सारा हम लोग सैनिटाइजर सैनिटाइज होते हैं क्लास के पहले क्लास के बाद आप सेंसर हैंड सैनिटाइजर भी हैं थर्मल स्कैनर भी है सारा चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं तो आप तो भगवान अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आगे भी नहीं आएंगे सभी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स के हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का स्वागत है चलिए 29 से सब लोग आप यहाँ आ जाएं और अपने डाउट को क्लियर करें और लाइब्रेरी रेडी रूम वगैरह मेंटेन करें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी भी कम हम लोग काम करेंगे ओके डियर स्टूडेंट ठीक है आप लोगों को कुछ कहना है प्रखर क्या प्रखर आप आप, आप कहाँ है हैं आप आ गए हैं लाइब्रेरी जी जी बहुत अच्छी बात है और और स्टूडेंट रिया रिया फ्रॉम बोकारो यस सर आप भी आ चुके हैं ठीक है ना कॉलेज वगैरह <laughs> हाँ, कॉलेज एक्टिविटी वगैरह स्टार्ट हो चुका है यस सर ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम चल रहे बहुत अच्छी बात है युवराज आ गए नो सर क्या बात है 17 को जाएंगे सोच रहे सेवनटीन को सर वेरी गुड ठीक है तो सभी स्टूडेंट मैसेज क्लियर का आप लोग ग्रुप में चलाया गया है आइए फिर मिलते हैं हम लोग मेंटेन करते हुए सारा हम लोग काम करने का शुरुआत करते हैं ठीक है ओके डियर स्टूडेंट फिर मुलाकात होगी ओके तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित जहां भी आया जाए जैसे बैठना हो बस में जा रहे हो कहीं जा रहे हो तो प्रॉपर पॉकेट में सैनिटाइजर रखो थोड़ा कपड़ा रखो चादर बिछा लो अगर या कुछ तौलिया ले लो वहां पर लग रहा है कि डर्टी है तो बिछा लो साफ कर लो बैठ के आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है सारे लोग आ जा रहे हैं OK? Chalye,